हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर वोटों की गिनती अभी भी जारी है और शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 50 के आंकड़े के करीब पहुंच गई है, तो वहीं कांग्रेस को 36 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मगर शुरुआत से ऐसे रुझान नहीं थे। सुबह 8 बजे की बात करें तो सुबह 8 बजे वोटों की गिनती के साथ ही कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई थी और आंकड़ा 55 को पार होकर गया था। शुरुआती रुझानों को देखकर कांग्रेस के मुख्यालय में मिठाइयां तक बंटना शुरू हो गई थी और सभी नेता और कार्यकर्ता ये मान चुके थे कि हरियाणा का ये रण वो जीत चुके हैं। लेकिन इसके ठीक एक घंटे बाद जैसे ही पासा पलट गया, रेस में पिछड़ती भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाती दिखी, तो वहीं कांग्रेस दफ्तर से लोग गायब होने भी शुरू हो गए और वहां एक सन्नाटा सा पसर गया। आपको बता दें कि वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। पहले दो घंटे के शुरुआती रुझान ये इशारा कर रहे थे कि 10 साल बाद कांग्रेस के सिर ही जीत का सहरा बंधेगा। तब कांग्रेस 55-59 सीटें, तो वहीं बीजेपी को 16 सीटें मिलती दिख रही थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं में पवन खेड़ा, जयराम रमेश समेत कई दिग्गज दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए थे। सबने एक मन से कहा कि हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो मेन दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां भी बांटनी शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाता देखा। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। एक समय जीत का दावा करने वाली पार्टी के अगले 1-2 घंटे में खानी बदल गई। आपको बता दें कि 16 सीटों पर सिमटती दिख रही बीजेपी ने अगले कुछ पलों में बाजी ही पलट दी। भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों पर आगे है, तो वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 50 से घटकर 36 पर पहुंच गया। रुझान अपने पक्ष में ना होता देख दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी लोगों की खुशी मायूसी में बदल गई। पार्टी के बाहर जश्न की तैयारियां शुरू कर देने वाले लोग अचानक गायब हो गए और इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर रुझानों में पलटी का असर भी साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पार्टी दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी कांग्रेस के ऊपर बढ़त बनाए हुए है। सुबह 11 बजे के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों पर आगे चल रही थी, तो वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर आगे थी। अन्य के खाते में 6 सीटें आगे दिख रही थी। हालांकि ये रुझान है, अंतिम नतीजे दोपहर 12-1 बजे के बीच स्पष्ट हो सकते हैं। अन्य के खाते में अब तक 7 सीटों की जानकारी सामने आई है। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी का भी किसी भी सीट पर खाता नहीं खुला है। 2019 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो भाजपा को 8 सीटें, कांग्रेस को 14 सीटों का फायदा होता देखा था। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।